नगर पालिका के कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, पवार साहब, एडीडी के उके साहब और हमारे मेहमान शोएब भाई, मास्टर साहब अफसर अली साहब, अब्दुल चौधरी साहब, सनाउल्ला खान साहब और यहाँ पर हमारी कब्रस्तान कमेटी की ओर से, माइनॉरिटी कमीशन की ओर से जो काम अल्पसंख्यक विकास निधि जो हमारे कोड़के साहब के प्रयासों से हमारे यहाँ काम होने जा रहा है, इसके एवज में हमारे यहाँ से कब्रस्तान कमेटी की ओर से हमारे हाजी मकसूद साहब सबसे पहले खोड़के साहब का सत्कार करेंगे। यहाँ पर सचिव शहजाद भाई भी मौजूद है, तालियों से पहले जोरदार स्वागत किया। और हमारे सेक्रेटरी साहब भी नसीर भाई बेरिंग वाले यहाँ पर मौजूद है, रहमत भाई एवं चिराना वाले भैया। इसके बाद हमारे कमिश्नर से आपका स्वागत हमारे शहजाद भाई करेंगे। हाजी नसीर साहब उपाध्यक्ष फोड़के साहब का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां भाई। रहमत भाई उके साहब एडीटीपी महानगर पालिका उनका स्वागत करेंगे। पवार साहब का स्वागत हमारे नसीर भाई दिलिंग वाले करेंगे। तालियों में कोताही नहीं भाई, जोरदार। हमारे इलाके में हमारे कब्रस्तान कमेटी में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे आमदार साहब खोड़के साहब यहाँ पर कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम के साथ, सिटी इंजीनियर साहब के साथ यहाँ आए हुए हैं और बहुत से मुद्दों पर चर्चा करनी है। और यहाँ पर देख जो कुछ काम डेवलपमेंट है, हमने देखा कि लोग पहले काम देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले निधि मंजूर हुआ और फिर काम देखने के लिए आया, ये हमारे लिए बहुत बेहतर। पहले निधि आ चुका है, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, निधि लाए हैं और कब्रस्तान कमेटी और हम तमाम मोहल्ले के यहाँ के परिसर के नागरिकों की ओर से हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भविष्य में भी हमारे, मैं खोड़के साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दो शब्द कहें, जोरदार तालियों से स्वागत। कब्रस्तान कमेटी के चेयरमैन कमिश्नर साहब, एडीटीपी के साहब और उपस्थित सभी मेरे भाइयों, आज ये कार्यक्रम एक्चुअली कार्यक्रम में था, हम कमिश्नर साहब और हम एक ट्रांसपोर्ट नगर का एक मुआवजा करने के लिए आए थे और दूसरा ये कार्यक्रम ऐसा डिसाइड हुआ था कि अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट जो है राज्य शासन का, वो अल्पसंख्यक बस्ती के लिए निधि देते हैं, अपने उनको ये साल में 1.5 करोड़ रुपए अपने अमरावती विधानसभा मतदान क्षेत्र के लिए रस्ते, लाइट और बाकी जो कब्रस्तान वगैरह ऐसे मंगे थे, लेकिन ये साल में नवाब मलिक साहब जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि ये साल हम सिर्फ कब्रस्तान को ही पैसे देने वाले, हमारे पास इतना ज़्यादा निधि नहीं है कि जो रस्ते, लाइट और बाकी सुविधा के लिए दे सकें, लेकिन हमने प्रायोरिटी फिक्स किया है डिपार्टमेंट ने और वो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से हम सिर्फ क्या तुम्हारे को कब्रस्तान के लिए पैसे दे सकते हैं। तो अपन ने उस टाइम उनको नियर अबाउट 1 करोड़ रुपये की निधि का मंगा था। एक्चुअली उसमें अपन ने 4 काम बोले थे उन्होंने, लाल घड़ी तिल मुस्लिम कब्रस्तान, रहमत नगर का कब्रस्तान, एक बिच्छू टेकड़ी वाला जिधर का है वो कब्रस्तान और एक वडाली में मुस्लिम कब्रस्तान है, ये 4 के लिए 20-20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन अभी प्रायोरिटी पे अपने को ये बजट में उन्होंने 40 लाख मंजूर किए थे, एक लाल घड़ी के लिए 20 लाख और रहमत नगर के लिए 20 लाख। और उसमें हमने वो बहुत फास्ट
डिसीजन हुआ था तो हमारे को जैसा लगता था वैसा उसमें डाल के हमने काम भेज दिए थे, लाइट लाइट और तुम्हारा ये जो ब्लॉग ये वो बोला था। लेकिन आज आने का मकसद यही था कि रफो है हमारे को बोले थे कि अपने को कब्रिस्तान कमेटी को उसमें 20 लाख में एग्जैक्ट वहाँ पे क्या सुविधा होना वो अपने को करना चाहिए। जो वो बोलेंगे लाइट होना तो लाइट, वो बोलेंगे कि 20 लाख में ये करो, और आगे भी अपन पैसा लाना ही है तो उसमें अपन और क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे। लेकिन आज आने का मकसद यहाँ पे यही था कि जो 20 लाख है तो उसमें आपकी प्रायोरिटी जो होगी वो यहाँ के जो अभी अपन वो काम भी है बीएनटी की तरफ अपन ने हैंड ओवर किया था एक्चुअली, और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के आज इंजीनियर जो है उनके काजी जो तुम्हारे थे वो शायद एडमिट करके वो आए नहीं है। तो आप जो लिखे थे कि ये काम करने का है तो एक 8-10 दिन में वो काम चालू करके अपन महीने भर में वो काम खत्म कर देंगे। दूसरा चर्चा आज अभी कमीशन साहब इधर थे तो दूसरी चर्चा एक विषय रफू को मालूम है कि इसके लग के जो एक जमीन है वो जमीन का जो एक मसला कॉरपोरेशन से निकले था वो बहुत देर से पेंडिंग है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि अभी कमिश्नर साहब आए तो अपन वो भी चर्चा वहाँ पे करेंगे। इस तो वो भी चर्चा अभी तो रफू बोलेगा और एडिटिंग साहब है यहाँ पे तो उसमें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो अपन समझ लेंगे, क्योंकि उसमें रफू ने बहुत फॉलोअप किया है, गवर्नमेंट की तरफ भी प्रस्ताव गया है उसमें से भी अपने को जो उसमें ऐसा उसने मेरे को बोला था कि वो प्राइवेट लैंड है और वो प्राइवेट लैंड के जो पैसे हैं उस टाइम उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था कि तुम कॉरपोरेशन का ऐसा कहना था कमिश्नर तब के कमिश्नर पर एडीपी की कि तुम हमारे को जमीन दे दो हम तुम्हारे को TDR देते उतने पैसे तुम्हारे को TDR से मिल जाएंगे जमीन के पैसे की वजह। लेकिन उस टाइम जो जमीन मालक थे उन्होंने बोला कि हमारे को TDR वगैरह नहीं होना, वो उनका ख्याल होंगे तब के तो हमारे को जमीन के पैसे होना और वो वहाँ के वहाँ वैसा के वैसा धरा पड़ा हुआ है। आज भी उसको नए तरीके से अगर अपन चालू करते हैं तो वो TDR वो लेने को अभी इन्होंने बोला है मेरे को रफू ने कि वो उनको TDR भी चलता है क्या, फिर नहीं ऐसा कुछ हो सकता है तो अपन कॉरपोरेशन से क्या हो सकता है देखेंगे, नहीं तो फिर अपन वो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के तरफ प्रस्ताव करके उधर से क्या निधि मंजूर हो सकती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये कारण आज यहाँ आना हुआ, कब्रिस्तान कमेटी अपने यहाँ पे जैसा हिंदू स्मशान भूमि है, हिंदू स्मशान भूमि अपने यहाँ की पूरे राज्य में फेमस है, अपनी यहाँ की हिंदू स्मशान भूमि के बारे में पूरे राज्य में कहीं पे भी जाओ वहाँ बाहर जिले का कोई भी आदमी अगर अमरावती में आता है तो बोलता है कि बाप रे तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये अपनी कब्रिस्तान कमेटी ने भी अपनी एक सोच बना कर कि निधि की अपन कमतरता नहीं गिरने देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सुविधा आपको होना वो सुविधा अच्छी तरीके से अपन डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वो विषय बहुत अंदर की बात थी साहब, मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और EDDP वीके साहब यहाँ मौजूद है, हमारे फोड़के साहब ने, मैंने तो उनको सिर्फ थोड़ा सा ही बताया था, उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाल कर हमको उसकी बता दी तो अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। और आप सब लोगों को विषय मालूम है, लोग क्या समझ रहे थे ज़मीन, तो आप सब लोगों को एक जानकारी देनी है कि 9 एकड़ जो लैंड है हमारा 12 एकड़, इसके बाजू में कब्रिस्तान को हमारे यहाँ जगह नहीं है, कुछ भी जगह नहीं है। और इस इधर आजू बाजू जमीन लेने के लायक भी नहीं है क्योंकि 25 से 50 लाख रुपए एकड़ यहाँ जमीन लगती है, तो ये जगह राखी हुआ। तो जब से मैंने इसका रिजर्वेशन, हाँ, तो अपन ने इस पे जो रिजर्वेशन किया था स्टैंडिंग में मंजूर करा के, तो इसका फॉलोअप लेने के बाद कुछ भूखंड माफिया ने और उन्होंने वो जमीन बेच डाली, उस पर अतिक्रमण हो गया था, तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई आधी तो हो गई तो बाकी हमने वो बिकने नहीं दिया। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, भले ही उसको समय लगे कमिश्नर साहब स्वीके का, तो उस समय गुड़ेवार साहब ने वहाँ पर बोर्ड गाड़े थे, तो जो राखी हुई जमीन है वहाँ पर भले ही वो व्यवहार कभी भी हो रिजर्वेशन है वो बिके ना करके वहाँ पर ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, वहाँ पर उसकी खरीदी तो हो ही नहीं सकती,
खरीदने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक्चुअल में भूखंड बेचने वाले क्या करते हैं कि उनको खरीदी की जरूरत ही नहीं रहती, वो टोकन पर उठा लेते हैं और वैसे ही बेच देते हैं। तो आधी जमीन ये 3 से 4 एकड़ बिक चुकी है, तो बाकी की ना बिक जाए, इसलिए वहाँ पर एक अपना महानगर सर्वे नंबर बोर्ड है, सर्वे नंबर और उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाजू में है वो पीछे कागज में है, बस ये जो दिख रही बाजू में। अच्छा, ये एक खास बात ये होंगी कि नाला है बीच में, नाले पर एक पुल डाल दिए तो डायरेक्ट ये जमीन उसको अटैच हो जाएगी, पूरी अटैच हो जाएगी। 9 एकड़ लैंड है, 3 एकड़ उसमें एक मुस्लिम है और 6 एकड़ जयसवाल, जिसमें से वो पूरी 12 एकड़ थी, 3 एकड़ में भूखंड गिर गए, बाकी वो रोक के रखे हमने क्योंकि वो बिक गया था। वहाँ पे जाके धांधल किया हम लोगों ने, 10-20 लोग गए थे वहाँ पर, वो डल नहीं वाले थे भूखंड, फिर उन्होंने खेती शुरू कर दी जयसवाल की। बस इतनी ये है कि अपने तरफ से लग जाए, और जब तो PDR हो उसमें जो निधि है अपना वो उपलब्ध है, उसका जो अपना ये अपन ये करते हैं इक्विपमेंट तो उसका निधि अलग से है, तो उसमें भी अगर कुछ डाल सके आप, कुछ तो साफ लाने वाले हैं मंत्रालय से अल्पसंख्यक, तो आपके तरफ से अगर कोशिश होगी तो। लेकिन वो जमीन मालक क्या बोल रहे हैं? मालक लेने को तैयार है ना? नहीं नहीं, लेने को तैयार है क्या? नहीं, उनको मनाना पड़ेगा PDR। रिजर्वेशन जब एक्चुअल में ऐसा था कि उनके समझ में नहीं आ रहा था TDR क्या, उनको लग रहा था फुकट में ले ली जाए, TDR की कीमत पैसे से भी ज्यादा है, बाद में उनको समझ में आया, बाकी जब तक के गुड़ेवार साहब चल गए। हा विषय होता है पुन्हा 5-10 वर्षांना प्रॉब्लेम जागा भेटणार नाही, म्हणजे आपले हिंदू समाजामध्ये तर असतं की आपण आपल्या कमी जागेत होत्या, जागा 15-20 वर्ष जागा ती नवीन तयार होईल मारा लागतात, आपण त्या हिशोबाने कसं नियोजन अभ्यास करायचं एखादा समजा तिथं आपल्याला रिझर्वेशन जे झालेलं आहे त्याला भूसंपादन अधिकारी विकर दे दिया, मतलब की अब अपने को अपने अधिकार में लेने का SDO साहब ने भूसंपादन अधिकारी को लेटर दे दिया कि तुम अपने अधिकार में ले लो, और उसमें कलेक्टर साहब ने भी लिखकर दे दिया है कि तुम अब एक्वायर्ड जमीन कर सको, कलेक्टर साहब का बीते साहब का लेटर है। और तुम्हारा बोलो क्या? हाँ, मैं बाहर हूँ क्या? क्यों जा साहब थोड़ा सा जमीन देख लेंगे, पर यहाँ से